वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का नया दिन स्टार्ट करेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ, सो कीप वॉचिंग। हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक अगेन टू मुस्कान सिंह चपड़ चपड़ ब्लॉग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रन आउट ऑफ कॉन्टेंट। मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा है कि मैं डालूँ तो डालूँ क्या, बट देन आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो कि उसकी वजह से मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई दैट यू गाइज वॉन्ट टू सी ईच एंड एवरी लाइक एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। सो दैट्स वाई हेयर आई एम विद द मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग ऑफ माइंड, जो कि आज तक मैंने कभी भी नहीं शेयर किया है। एंड अपना मॉर्निंग रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रश करने से और अपना मुँह धोने से, जो कि आप लोग भी करते होंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ये जो पतीला है इसको मैं भरूँगी पानी से और करूँगी इसको गर्म, बिकॉज़ मम्मी कहती है सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। पहले एक दो व्लॉग में मैंने डाला था गर्म पानी पीते हुए, इसमें मैंने लेमन डाल के पीती थी, तो आप लोग मना कर रहे थे कि नहीं पीना चाहिए, सो दैट्स वाई मैं अब लेमन नहीं डालती हूँ। जब तक पानी गर्म हो रहा था सो मैं यहाँ खाऊंगी च्यवनप्राश, ताकि उससे मेरी इम्यूनिटी जो है वो और स्ट्रांग हो जाए, ताकि कोई भी चीज़ मुस्कान सिंह का बाल भी बाका ना कर पाए। एंड जो पानी है उसमें मैं अब लेमन की जगह वॉर्म वाटर में तुलसी अर्क डालती हूँ, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए और भी सही होता है। और मैं ये सब डाल रही हूँ ताकि मेरी मम्मी को दिखे कि मैं ये सब चीज़ें पी रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता है ना कि मैं ये सारी चीज़ें मम्मी मुझे देती रहती हैं और मैं इनका यूज़ भी नहीं करती हूँ। सो या हियर आई एम डन एंड आई एम जस्ट गोना गो एंड ड्रिंक माई वॉर्म वाटर। और यहाँ पे जब मैं मतलब बैठी ना पानी वानी पीने के लिए, तो बाहर मैंने मतलब किसी चीज़ की परछाई नहीं, रोड पे मैंने ना कुछ चीज़ देखा एंड देन आई रियलाइज वो बेचारा कबूतर मर गया था, वो पड़ा हुआ है यहाँ पे रोड पे, तो मैं वही देखने की कोशिश कर रही थी। सो चलो कीप वॉचिंग एंड ऐसे तो वरना मैं बोलती रह जाऊँगी। नाउ आई एम जस्ट गोना क्लीन माई यू नो माई रूम एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ गोना बी द मॉर्निंग व्लॉग ऑफ मुस्कान सिंह। कीप वॉचिंग। So fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you. हे गाइस, सो मैं फ्रेश हो गई हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट गोना डू माय मॉर्निंग स्किन केयर विच आई एम गोना शेयर इन टुडेज वीडियो एज वेल, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि स्किन केयर आप अपना शेयर करो, स्किन केयर शेयर करो। सो लाइक दिन में मैं एक बार ना एक मास्क लगाती हूँ आज, क्योंकि रात को मुझे जल्दी सोना है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस मास्क नाउ लाइक, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। सो दिस मास्क इज़ अ होम रेमेडी मास्क, जो कि हमेशा से मतलब मैं स्टार्टिंग से लगाती आ रही हूँ एंड दिस होम रेमेडी इज समथिंग लाइक विच एक्चुअली वर्क। सो या आई एम गोना शेयर विद यू कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो मोस्टली मेरे से ना मेरा हमेशा ये एक प्रेफर रहता है कि ठीक है, जब भी मैं मेकअप रिमूव करती हूँ आई यूज़ द थिंग लाइक यू नो फेस वॉश एंड एवरीथिंग, बट स्टार्टिंग से मैं जो ये मास्क है हमेशा इसको एज अ फेस वॉश यूज़ करती आई हूँ, लाइक जब मेरे फेस पे मेकअप वगैरह नहीं होता है। एंड काइंड ऑफ इसको अप्लाई करने के बाद ना एक इंस्टेंट सा ग्लो आता है एंड मेरे ना ऐसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल सा लग रहा है, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है एंड मैं जल्दी उठ गई क्योंकि रात को मुझे फिर से सोना है थोड़ा जल्दी, दैट्स वाई। सो या चपड़ चपड़ बंद करते हैं, सो लेट्स गो एंड मेक द मास्क। सो फॉर दिस होम मेड स्किन केयर रेमेडी आई एम यूजिंग दिस कर्ड एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया चंदन पाउडर। चंदन पाउडर के साथ जो ये पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मुल्तानी मिट्टी एंड बेसन। उसके बाद ये मैंने आटा लिया है, ये आटा वो लाइक जब हम रोटी सेकते हैं तो वो यूज़ नहीं करते सूखा वाला,
वो वाला है एंड देन इसको मैं मिक्स कर दूंगी. उसके बाद आई एम जस्ट गोना ऐड सम रोज़ वाटर एंड द DIY मास्क इज़ रेडी. सो मास्क बन गया है एंड आई हैव शेयर्ड कि मैंने क्या क्या डाला है. नाउ आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन माई फेस एंड मेरे बाल काफ़ी ऑयली हो गए हैं, मुझे इन्हें धोने की ज़रूरत है. इसको लगा लूँगी, मेरे को ना बालों पे लगता है ना मास्क तब गुस्सा आती है. ओके सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट एंड मैं इसको ना लगाने के बाद कुछ बोलूँगी नहीं, इसीलिए पहले ही बोल लेती हूँ. इसको लगाने के बाद अराउंड मतलब जब तक ये थोड़ा सा ना ड्राई ना हो जाए, लाइक होता है ना आपके फेस को ही फील होने लगता है कि जब मास्क गीला होता है जब वो ड्राई हो जाता है, जब वो ड्राई हो जाए ना थोड़ा सा देन हमें इसको रिमूव करना है. सो आई एम गोना रिमूव इट एंड आई विल शो यू दैट एज वेल. इतना ठंडा ठंडा है ना, फेस को भी काफ़ी कूल कर देता है ये बिकॉज ऑफ कर्ड एंड चंदन पाउडर एवरीथिंग. वो बाद में एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं आज ही यूज़ करके ख़त्म कर दूँगी, अभी बोलना नहीं है. फेस मास्क लगाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ काम कर लिया जाए, तो जो कपड़े मैंने धोने के लिए रखे हुए थे वो मैं यहाँ पे फैला रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं काम करके फ्री होंगी ना तब तक ये मास्क भी मतलब सूख जाएगा एंड आई विल वॉश इट ऑफ. सो ये कपड़े तो जो धुलने के मतलब सूख गए सूखने के लिए रख रहे थे तो मैंने वो रख दिए एंड जो ये कपड़े सूख गए थे वो यहाँ पर मैं हैंड टू हैंड चपत रही हूँ सो दैट बाद के लिए मेरे पास काम ना बढ़े. Now it's time to remove this face mask. So as you can see कि किस तरीके से ड्राई हुआ है. I'm just gonna take a little bit of water and put it on my face so that जो like ये जो ड्राई हुआ है ना ये easily remove हो जाए. एंड इसी को इस तरीके से रब करके मैं रिमूव करूँगी. एंड इसका एक और फ़ायदा है, प्लस एक तो एक्सफोलिएट करता है एंड आपके जो फेशियल हेयर होते हैं ना आटा जो डालते हैं ना उसकी वजह से वो टूटते हैं. तो इट्स अ गुड वे अगर आपको अपने फेशियल हेयर रिमूव करने हैं. एकदम से रिज़ल्ट नहीं दिखेगा बट यूज़ करने पे लाइक कंटिन्यूस यूज़ करने के बाद पता चलता है. एंड हियर आफ्टर वॉशिंग माई फेस यू कैन सी लाइक एक काइंड ऑफ ना ग्लो टाइप का आ जाता है. मे बी आप लोगों को वो चीज़ नहीं फील हो रही होगी बट आई कैन सी. सो जो फेस मास्क था वो मैंने रिमूव कर लिया है एंड मेरे को ना अभी काफ़ी अपनी स्किन सॉफ्ट सी और ऐसे लाइक बाउंसी बाउंसी सी लग रही है बिकॉज जब आप अपने स्किन को मतलब वो मास्क को रब करते हो जब वो थोड़ा ड्राई रहता है तो वो काइंड ऑफ एक्सफोलिएट करता है आपके फेस को एंड बहुत सारी चीज़ें करता है. इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी. सो नाउ आई एम जस्ट गोना डू माई स्किन केयर जो कि मैं यूजुअली हमेशा फॉलो करती हूँ. सो फर्स्ट रोज़ वाटर हेयर का ना इट्स काइंड ऑफ सेम लाइक क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग रोज़ वाटर. नाउ सॉरी द स्नेल म्यूसिन हमेशा मेकअप से पहले इसको अप्लाई करती हूँ. गोना अप्लाई दिस एंटी एक्ने फेस सीरम फ्रॉम सेरो. Under eye cream. Now it's time for sunscreen and it's a gel based sunscreen basically. So कुछ ज़्यादा मुझे क्रीमी क्रीमी नहीं पसंद है. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई द जेल वन. आई हैव वन द क्रीमी वन एज वेल. आई नो इट लुक्स लाइक अ क्रीम बट इट इज लाइक अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन
अगेन मेरे से वो टू फिंगर वाला नहीं होता, जितना मेरा फेस एब्जॉर्ब कर सकता है मैं उतना ही लगाती हूँ। Nice. Now it's time for lips, so I'm just gonna use this lip oil for my lips. You can take any lip oil. मैंने ऐसे ही random purchase किया था। डिटेल्ड वाला स्किन केयर करूंगी ना तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अभी तो जस्ट अ मॉर्निंग रूटीन। सो अभी मैं बीमार ना लगूँ तो I'm just gonna apply the face tint. तो वो मेरे स्किन केयर वगैरह भी हो गए हैं एंड मैं थोड़ा सा बाल बाल भी सेट करके एकदम रेडी हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल लगे। कई बार है ना ऐसा जब हम लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं ना तो काइंड ऑफ एक मोटिवेशन सा नहीं मिलता कि उठो या कुछ करो। जब आप एकदम फ्रेश हो जाते हो, रेडी हो जाते हो, आप अच्छे लगते हो ना, तो आपको लगता है नहीं यार अच्छा दिन है, अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, अच्छे काम करते हैं। ऑब्वियसली मैं अच्छे ही काम करती हूँ, बुरे काम नहीं करती हूँ। तो या फ्रेश हो गए हो तो अभी काइंड ऑफ काफ़ी बेटर फील हो रहा है। एंड अभी मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है। तो कल ही मैंने भिंडी बनाई थी एंड पराठे रात को सेके थे, तो मतलब बच गए थे मेरे 3 पराठे एक्स्ट्रा, तो मैं वही खाऊंगी। एंड चाय मैंने बनाना है अभी, तो फटाफट चलते हैं, पहले चाय बना लेते हैं एंड उसके बाद पेट पूजा करते हैं फिर काम दूजा। जी ये मेरा खाना भी एकदम रेडी हो गया है, चाय, पराठा थोड़ा सा सूख गया है बट कोई बात नहीं, गरम मैंने किया बट वो उसका ओरिजिनल शेप नहीं आएगा, एंड मेरी भिंडी की सब्ज़ी। आप लोगों को पता है क्या, अब ना मैं खाना बनाना सीख रही हूँ, भिंडी की सब्जी शक्ल देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है। ये मैंने मम्मी से वीडियो कॉल पर बनाना सीखा, मैंने मम्मी को वीडियो क्योंकि मेरे से ना अब ना मतलब मैं मम्मी से वीडियो कॉल पर सब कुछ बनाना सीख लिया। मतलब जब भी मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो मैं मम्मी को वीडियो कॉल कर लेती हूँ, वो मुझे बताती है क्योंकि मुझे नहीं पता कि यार किस चीज़ को कितना देर फ्राई करना है, क्या चीज़ कैसे करनी है। मैं बनाती हूँ मुझे पता भी नहीं रहता, मैं कई बार यूट्यूब पे देख के बनाती हूँ बट वो चीज़ नहीं बनती, बट मम्मी कई बार बताती है ना कैसे इतना देर रखो इतना, तो वो जैसा जैसा बोलते हैं मैं वो फॉलो करती हूँ। कई बार मैंने जैसे वीडियोस में खाना वाना बना के डाला है ना तो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, ऐसे खाना बनता है क्या, खाना भी नहीं बनाना इस खाने को कौन खाएगा। ऑब्वियसली यार हर कोई परफेक्ट नहीं रहता, मैं इन सब चीज़ों में परफेक्ट नहीं हूँ। एक्चुअली मैं पैदाइशी कुक नहीं हूँ, पैदा होते ही मतलब कुकिंग नहीं सीख ली थी बट मैंने अभी भी नहीं सीखी क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कभी किचन में जाने ही नहीं दिया। तो जब इंसान अकेले रहने लगता है ना तब उस पर आती है, तो मेरा मजाक मत उठाया करो, समझे आप लोग। हाँ खाना बनाना एक दिन ना शेफ बन जाऊंगी, फिर उसके बाद मेरा खाना खाने के लिए तरसोगे आप लोग, सही बता रही हूँ। तो आज ज़मीन पर बैठ के खाया जाए क्योंकि मम्मी कहती है बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए, तो मैं ज़मीन पर खाऊँगी। इवन दिल्ली में भी मैं खाती थी। लैपटॉप को रखेंगे यहाँ और एरी में। हाय इतनी गर्मी हो रही थी एंड आज दुबई में बारिश हुई है, मैं मतलब यही देखने के लिए इतना, ये मतलब जो मौसम था ना ये देखने के लिए मेरे को ऐसा लग रहा था हाँ यार इंडिया में बारिश हो रही है बट यहाँ वैसी बारिश नहीं हो रही है। बाहर अगर खोले ना तो वैसे ही मौसम गर्म गर्म सा हो रखा है, सारे के सारे देखो अपने बालकोनी में निकल गए सबके सब वीडियो बना रहे हैं कि आज दुबई में बारिश हो रही है, इस साल की पहली बारिश। सो कल रात को मैंने ग्रॉसरी ऑर्डर की थी जो कि आ चुकी हैं एंड ये मैंने कुछ खाने का सामान ऑर्डर किया था क्योंकि इस मंथ मेरे सारे टर्न अराउंड फ्लाइट हैं तो मुझे खाने के लिए सामान चाहिए, तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया बिकॉज अब मेरी फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली है तो मैं भी घर पे ना रहूँ ये सारी चीज़ें रिसीव करने के लिए। तो मैंने स्टोर कर लिया है खाने, मतलब मंगवाया मैंने कुछ ना, बनाना मंगवाया है और प्याज मंगवाया क्योंकि वो हर चीज़ में पड़ता है एंड सारी चीज़ें साथ के साथ इनकी जगह पर भी रख देते हैं। उसके बाद मैंने ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी मैंगो मंगवाए हैं, काफ़ी महंगे मिल रहे हैं यार, आम तो इतने महंगे मिल रहे हैं पूछो मत। सो गाइज आज का दिन काफ़ी अच्छा गया सुबह से, मतलब जल्दी उठ के सारे काम भी ऑन टाइम हो गए थे
और अभी जस्ट मेरी ग्रॉसरी भी आ गई थी, मैंने ऑर्डर किया था, मैं भूल भी गई थी उस चीज़ के बारे में, बट मैंने सोचा था कि आज ऑर्डर कर दूंगी बिकॉज कल से फिर मेरी फ्लाइट शुरू होगी एंड देन फिर मैं घर पे नहीं रहूँगी मेरे ऑर्डर रिसीव करने के लिए। एंड ऑल्सो मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है, कल मैं लेकर आई अपने लिए डायरी, क्यूट है ना। सो इसके पीछे भी एक पर्पस है, मैं आपको बताऊंगी, पहले आप देख लो। मेरे को ऐसे ना डायरीज बहुत प्यारी लगती है, अब इसमें कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा है मेरा क्योंकि डायरी खुद ही इतनी क्यूट है, मेरे को लग रहा है अभी लिखूंगी तो कहीं ख़राब ना हो जाए। सो इस डायरी को लाने का मेरा मेन मोटो क्या है, मेरा मेन मोटो ये है कि मैं अभी भी काफ़ी जगह पे लैक करती हूँ, मैं हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपने अंदर इम्प्रूव करनी है। अगर हम देखा जाए बहुत सारी चीज़ें हम लोग के अंदर कोई ना कोई खामियां होती हैं, मेरे अंदर भी है बहुत सारी, तो मैं उस चीज़ को अपने अंदर से हटाना चाहती हूँ एंड उसी रीज़न की वजह से मैं डायरी लेकर आई हूँ। मेरी मम्मी सोच रही होगी भाई वीडियो देखते हुए, हाँ कितनी डायरी लिखेगी वो तो हमें भी पता है, बट डायरी लिखने के लिए नहीं है। ये डायरी लाने का मेरा मोटो ये है कि जो भी चीज़ें मैं सुबह उठती हूँ एंड या तो मेरे साथ फ्लाइट पे, जब से मैंने फ्लाइंग मतलब इंडिया में फ्लाई करती थी बहुत सारी चीज़ें होती थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स करने के बाद कुछ ज़्यादा ही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे साथ इन द सेंस कि इज़ अ एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें। ये एक चीज़ है, ये मेरे लाइफ की मेमोरीज़ हैं एंड मैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं रखना चाहती हूँ। तो ये डायरी मैं दो पर्पस से लेकर आई हूँ, चीज़ें जिसको मुझे अपने अंदर इम्प्रूव करनी है। सपोज़ मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखती हूँ, मुझे पता नहीं रहता कि मेरे को क्या करना है, एक लेज़ीनेस मेरे अंदर रहता है। सो ये डायरी में मैं अपनी चीज़ें लिखूँगी, टू डू लिस्ट वो होंगी, प्लस मेरे साथ फ्लाइट पे कुछ भी जैसा जो स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं या फिर जो चीज़ें कभी मेरे साथ हुई नहीं वो इस डायरी में मेंशन होंगी। एंड मुझे लिखना बहुत पसंद है, मेरे को स्टार्टिंग से मैं कभी भी ना मेरे को चाहे कुछ भी होता है स्टार्टिंग से, स्कूल में भी थी तो मुझे प्रोजेक्ट वगैरह सब बनाने को देते थे, मुझे लिखना बहुत पसंद है, मैं लिखने को पूरे दिन बैठ के लिख सकती हूँ, मेरे को इतना। कई बार मेरे फ्रेंड्स लोग ना अपना स्कूल का काम भी मेरे से करवा देते जस्ट बिकॉज मुझे लिखने का बहुत शौक है एंड देन ये सब चीज़ें। तो या मैं बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, क्या पता ये डायरी ही मेरे लिए कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आए मेरे लाइफ में। तो आज तो मैं इसको लेकर आई हूँ, अभी मैं सोचूंगी कि क्या लिखना है इसमें क्या नहीं लिखना है, कल के लिए टू डू लिस्ट जो भी होगी वो बनाऊंगी एंड देन या कभी हुआ तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। सो बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ हो गई है और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन चुकी है, बारिश हो गई, सब कुछ हो गया है आज, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। एंड या अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी है तो इट्स ओके। एंड या अब मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपने मम्मी पापा को परेशान मत किया करो, अच्छे से रहा करो एंड या बाय बाय। But I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows.